सो गाइस, जैसा कि आपने देखा 2018 के एंड से यहाँ पे एक मार्केटिंग ट्रेंड बना हुआ था, सोनी का IMX586 सेंसर जो कि 48 मेगापिक्सल का सेंसर था। इन रियलिटी तो वो एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर ही था, जहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग की मदद से जो डिटेल्स उस सेंसर से निकल के आ रही थी उससे कन्वर्ट किया जा रहा था 48 मेगापिक्सल के लिए। जहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ कि 0.8 माइक्रॉन्स के पिक्सल को यहाँ पे कंबाइन किया जा रहा था 4K हाउसेस में एक 1.6 माइक्रोन पिक्सल के डेटा को बनाने के लिए। और वो जो सेंसर था सोनी का IMX586, वो काफी सारे स्मार्टफोन्स में यूज हुआ है। इनफैक्ट 2018 और 19 में बहुत सारे फोन्स उस सेंसर्स के साथ लॉन्च किए गए। वन प्लस ने अपने जो फोन्स थे वो उसी सेंसर्स के साथ लॉन्च किए। और अब यहाँ पे 2019 के एंड में आप देख रहे होगे कि बहुत सारी कंपनीज जैसे कि Xiaomi और Realme यूज कर रहे हैं यहाँ पे Samsung का ISOCELL GW1। और इसी का कंपैरिजन में सोनी ने भी एक नया सेंसर निकाला है जो कि है सोनी का IMX686। वेल, दोनों ही जो सेंसर्स हैं वो रियलिटी में 16 मेगापिक्सल सेंसर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और कुछ नई इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स की मदद से जो डेटा है उससे यहाँ पे थियोरेटिकली 64 मेगापिक्सल का बनाया जा रहा है। अब जैसे ही आप सोच रहे होगे कि ये जो चीज है ये ऐसा कैसे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे यही हो रहा है। सो इन रियलिटी यहाँ पे जो पिक्सल साइज कैप्चर हो रही है वो है 0.8 नैनोमीटर्स की, या फिर आप उसे माइक्रोन पिक्सल्स बोलो। और फिर उससे यहाँ पे AI की मदद से इन चार 0.8 नैनोमीटर के माइक्रोन पिक्सल या फिर नैनो पिक्सल को मिला के एक 1.6 नैनो पिक्सल या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि एक माइक्रोन पिक्सल का एक ब्लॉक बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो काफी ज्यादा आती हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे किसी भी सेंसर या लेंस के लिए जो डिटेल्स आती हैं उसमें बहुत सारी चीज यहाँ पे डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंसर से ही सब कुछ नहीं होता है। फिर भी इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि सोनी IMX686 और सैमसंग के GW1 में क्या अंतर है। यहाँ पे जो अंतर है वो कुछ ज्यादा है नहीं। सैमसंग की जो सेंसर है वो ISOCELL टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जो कि थोड़ा डिफरेंटली वर्क करती है। यहाँ पे जो सेंसर साइज आपको मिलता है वो है 1/1.72 इंचेस का, और जो फ्रेम रेट्स कैप्चर है वो दोनों में सेम ही है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे सोनी के IMX686 का, तो यहाँ पे भी आपको जो सेंसर साइज है वो स्लाइटली बड़ा मिल जाता है जो कि ये 1/1.7 इंच का, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 0.2 इंचेस का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो 0.2 इंचेस का डिफरेंस है वो अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जाए किसी डिवाइस को तो काफी बड़ा रिजल्ट ला के दे सकता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे और भी चीजें मैटर करती हैं। सोनी के IMX686 के बारे में अभी कुछ ज्यादा सामने आया नहीं है, और इनफैक्ट सोनी जो है वो कैमरा सेंसर्स काफी अच्छे बनाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों सेंसर्स ही एक ट्रू 16 मेगापिक्सल सेंसर ही हैं, जहां पे कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से आर्टिफिशियली 64 मेगापिक्सल का काम लिया जा रहा है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वैसे अगर देखा जाए तो सोनी की जो सेंसर्स होती है वो ज्यादा बेटर होती है, और जो CMOS सेंसर है वो काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन हम यहाँ पे सैमसंग को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग की जो फ्लैगशिप फोन्स होती हैं वो अपने ही सेंसर यूज करते हैं और वो काफी कमाल की इमेज निकाल के लाती है यहाँ पे। हालांकि अभी जो ये सैमसंग का नया सेंसर है GW1, ये एक नए रॉ इंटरफेस और ट्रेटरसर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जो कि ज्यादा फास्ट इमेज प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ खेल इतना ही नहीं रह जाता है। ये तो चलो हो गई थ्योरेटिकल बातें कि यहाँ पे आप निकाल सकते हो 64 मेगापिक्सल का एक इमेज, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी वो ये मैटर करेगी कि इन दोनों सेंसर्स के साथ किस साइज का यहाँ पे लेंस यूज किया जा रहा है, फिर किस साइज का यहाँ पे अपर्चर है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो कौन सा यूज किया जा रहा है, कैसी इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर का काम होता है वो काफी ज्यादा ही मैटर करता है यहाँ पे। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे 2018 और 19 में ही बहुत सारे ऐसे ऐसे स्मार्टफोन्स है जहाँ पे ना ही 48 मेगापिक्सल का लेंस यूज किया गया था, ना ही 64 मेगापिक्सल का लेंस यूज किया गया था, लेकिन वो ज्यादा बेटर थे और वो ज्यादा डिटेल्स और ज्यादा आई के
के लिए ज्यादा अपीलिंग लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज हैं जैसे कि गूगल और एप्पल, ये अपने इमेज सेंसर के साथ साथ बहुत सारे चीजों पे काम करती हैं, और मोस्ट ऑफ द फ्लैगशिप फोन्स ने यहाँ पे 48 मेगापिक्सल को यूज नहीं किया था, क्योंकि रियलिटी तो वही है कि 48 मेगापिक्सल जो बोल के आपको बेचा जा रहा है वो एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, और अभी जो आपको 64 मेगापिक्सल बोल के बेचा जा रहा है वो एक 16 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो यहाँ पे आप इस मार्केटिंग गेमिंग में बिल्कुल भी मत गिरिएगा कि यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर फोटो इमेजेस देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसी रिजल्ट सामने आ रही है जिसमें आपको ये देखने को मिला होगा कि यहाँ पे बस एक नॉर्मल सा 12 मेगापिक्सल का सेंसर भी इन सारे सेंसर से काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे फोन को ले रहे हो जहाँ पे आप ये मेगापिक्सल काउंट देख रहे हो, तो उसके साथ साथ यहाँ पे सेंसर साइज, उसके साथ यहाँ पे एपर्चर और कौन सा प्रोसेसर यूज हो रहा है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसिंग करनी है इमेज के सिग्नल को वो एट द एंड ऑफ द डे आपके प्रोसेसर को ही करनी है, और अगर यहाँ पे एक बहुत ही काम का प्रोसेसर नहीं होगा तो इमेजेस उतनी अच्छी नहीं आएंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे जिस कंपनी के फोन को आप यूज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे रियलमी की बात करो तो वहाँ पे जो फोटोज होते हैं वो थोड़े सैचुरेटेड ज्यादा होते हैं, और वहाँ पे जो स्किन टोन होती है वो डिफरेंट होती है, और अगर आप शाओमी और रेडमी की बात करो तो वहाँ पे जो इमेज की क्वालिटी होती है वो काफी डिफरेंट होती है। इनफैक्ट शाओमी और रेडमी की इमेज की क्वालिटी बहुत ही पुअर होती है, वहाँ पे जो फोटोज होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, ब्राइटनेस काफी ज्यादा दिखती है, कलर करेक्शन उतने अच्छे होते नहीं है, और यहाँ पे जो सैचुरेशन है वो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन चूंकि दोनों की अलग अलग सॉफ्टवेयर होती है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट फोन के फोटोज ज्यादा बेटर लगते हैं। और इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन, अगर आप एक इंसान की फोटो लेते हो तब तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक अलग फोन ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लीजिए, यहाँ पे सिर्फ आप मेगापिक्सल मत देखिए, ज्यादा सैंपल्स पे जाइए और लोगों के सैंपल्स पे ज्यादा जाइए, और यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग के सैंपल्स पे ज्यादा जाइए, क्योंकि जो डे लाइट परफॉर्मेंस होती है वो हर कैमरा काफी अच्छा निकाल सकता है। इनफैक्ट जिसका लेंस उतना भी बड़ा साइज का नहीं होता या फिर जिसका अपर्चर उतना भी बड़ा नहीं होता है वो भी यहाँ पे काफी अच्छा इमेज निकाल सकता है डे लाइट में। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है आर्टिफिशियल लाइटिंग की या फिर लो लाइटिंग की, तब यहाँ पे जो काम है वो प्रोसेसिंग पे चला जाता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है रिजल्ट्स में। तो मैं आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।